सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। कह दो आसमान से हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। कौशल भारत, कुशल भारत। स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। महात्मा गांधी भी कहा करते थे, भूखे का भगवान तो रोटी होता है। और यही बात हम वैज्ञानिक तौर तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा होती है, लेकिन एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत जैसे देश के सामने लक्ष्य है। कोशिश ये हमारी कि भाई इस क्षेत्र में कैसे काम करें। कृषि मानव जीवन का सबसे पुराना पेशा है। आज भी हमारे देश के 50% से भी ज्यादा लोग कृषि से जुड़े हैं, और कृषि क्षेत्र के इन्हीं हुनरबाजों की बदौलत मुमकिन हुई है सफेद क्रांति, हरित क्रांति और मीठी क्रांति यानी स्वीट रेवोल्यूशन। सफलता का ये कारवां यहीं नहीं थमना चाहिए। कृषि क्षेत्र में अपने हुनर को बेहतर करते रहने के लिए चाहिए आधुनिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण। स्किल इंडिया मिशन की बदौलत आज ये प्रशिक्षण हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि गांव के लोगों को अपना घर छोड़कर शहर जाने की जरूरत न पड़े। अपने घर का सुख, माँ के हाथ का बना खाना और अपने गांव की मिट्टी से जुड़े रहने का वो एहसास, इन सब में एक अलग ही खुशी मिलती है। पर ये कई लोगों के लिए हमेशा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को काम की वजह से मजबूरन अपने घर परिवार से दूर जाना पड़ता है। ऐसे में हम पैसे तो कमा लें, पर अपने मन की कमी हमेशा रहती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि कितना अच्छा हो कि आपको अपनी आमदनी का जरिया अपने ही गाँव में मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे उड़ीसा के रहने वाले प्रशांत कुमार भोई को मिल गया, और वो भी बिना महीनों के ट्रेनिंग किए। नोट, जी हाँ, आप यकीन करिए कि सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशांत आज न सिर्फ बेहतर कमाई कर रहे हैं, बल्कि अपने घर परिवार और गांव में रहने का सुख भी पा रहे हैं। प्राचीन मंदिरों और आदिवासी कलाओं के लिए मशहूर है देवभूमि उड़ीसा। पूरे देश की तरह इस राज्य में भी छुपे हैं हुनर के कई अनमोल नगीने। उड़ीसा के युवा कितने कर्मठ होते हैं, इसका पता यहाँ के अनगिनत लघु उद्योगों से लगाया जा सकता है। ऐसे ही एक कामयाब लघु उद्योगी हैं बमनाला गांव के 29 वर्षीय प्रशांत कुमार भोई। लेकिन कुछ समय पहले तक प्रशांत का परिवार उनको लेकर काफी चिंतित था। प्रशांत मोर पुओ पिला भल पिला आउ पाठ साठ तो बेसि किमती पढ़ी पारानी आउ प्लस टू पर्यंत पढ़ला पढ़ला चाकरी बाकरी किसी भी कलानी कि कुआड़े गलानी। प्रशांत की 12 साल की पढ़ाई से उनको नौकरी नहीं मिली। किसान परिवार में जन्मे प्रशांत को इस पेशे पे भरोसा तो था, पर रोजगार की सही राह नहीं दिख रही थी। फिर उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पता चला। प्रशांत को बताया गया कि गौ पालन उनके लिए एक बहुत ही सफल उद्योग बन सकता है, और ये खास प्रशिक्षण प्रशांत केवल 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बस 3 दिनों की ट्रेनिंग में ऐसी क्या खास बात थी? अरे भाई, 3 दिन की ये कारगर ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रशांत ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ILNFS स्किल स्कूल से मिली डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग के दौरान काफी लाभदायक जानकारी हासिल की, जैसे गौ पालन के नए तरीके, गाय की बेहतर देखभाल, गाय के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाए रखें, दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए इत्यादि। और साथ ही प्रशांत ने इस ट्रेनिंग में समझाए गए साइंटिफिक टेक्निक्स का भी लाभ उठाया। 3 दिन की ये ट्रेनिंग इतनी कारगर साबित होगी, ये तो प्रशांत को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जब पहले हम डायरी फार्म के ट्रेनिंग ले रहे थे, हमारे माँ और बाप समझ नहीं पा रहे थे हमें। जब प्रशांत ने इस ट्रेनिंग की शुरुआत की तो उन्हें किसी से भी ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला।
लेकिन आज गांव में इनके जैसे कई और युवा इनकी राह पर चल पड़े हैं। जिस दिन से हम ये गोपालन किया उसी दिन से हर दिन हमारे लिए खुशी का दिन हो गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के गौ पालन प्रशिक्षण के बाद वो युवा जो कभी बेरोजगार थे आज उन्हें एक नई राह मिल गई है। दो गाय के साथ अपने उद्यमी सफर की शुरुआत करने वाले प्रशांत का हम सफर बनी उड़ीसा में स्थित मिल्क मंत्रक जैसी एक नामी मिल्क कंपनी। आज प्रशांत के पास 10 गायें हैं और उससे रोजाना मिलता है करीब 20 लीटर दूध और वो दूध प्रशांत मिल्क मंत्रा के लोकल कलेक्शन सेंटर पे बेचते हैं। आप जानते हैं इससे उनकी कमाई कितनी होती है? उस डायरी फार्म में तो हमारा महीने में 10-15 हजार हो जाता है। प्रशांत के पूरे परिवार में आ गई है खुशी की लहर। आज प्रशांत के पिता को उन पर बहुत गर्व है और गर्व क्यों ना हो। प्रशांत कुमार हिस्सा है भारत की डेयरी इंडस्ट्री का जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है। पुओ इमितिया बाटू को जीवो बोल करी आमे कौनसी भितर कल्पना भितर रखि नथिलु। पुओ को देखिकरी बहुत गर्व लागुची बहुत खुशी भी लागुची आउ गाँव रे साई रे समस्त भी भलो बोल करी भलो पिला भी कहउछंती। हमारी युवा समाज के ये निवेदन करता हूँ कि अपना मनोबल न गवा के अब सरकार के तरफ से बहुत सारी योजना चल रही है और उस योजना से फायदा उठाकर अपना लाइफ बनाए। वाह, ये वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन का हुनर ही तो है जिसकी वजह से प्रशांत आज एक सफल उद्यमी बन गए हैं। पूरा मोहल्ला इस ट्रेनिंग के खिलाफ था पर प्रशांत को इस ट्रेनिंग पर भरोसा था और आज देखिए घर वाले तो खुश हैं ही, अब गांव के लोग भी प्रशांत की मिसाल देते हैं। आप भी दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन से जुड़िए और हो जाइए तैयार। जब आप एक नारियल का पेड़ लगाते हैं तो आपको मिलते हैं ढेर सारे उत्पाद जैसे खाने पीने की चीजें, दवाइयां, सौंदर्य प्रसाधन, पूजा सामग्री, साज सज्जा की वस्तुएं और यहाँ तक कि बर्तन और कपड़े भी। जी हाँ, शायद ही कोई दूसरा पेड़ हमें इतना सब कुछ दे सकता है। हमारे देश में करीब 22 बिलियन नट्स का प्रोडक्शन है। इसके साथ हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इस समय जैसा आप जानते हैं कि नारियल में फल और फूल साल भर आते रहते हैं। एक जैसे होता है कि आदमी को हर महीने तनख्वाह मिलती है तो नारियल की खेती जो करते हैं उनको ये फल और फूल लगातार आते रहने से उनको रेगुलर समय पे एक निश्चित अंतराल पे इनकम होती रहती है। नारियल की खेती में स्किल की बहुत ही महत्ता है, चाहे रोपण सामग्री बनाने के लिए हो, चाहे उसके उत्पादन के लिए हो या उसमें मूल्यवर्धन के लिए हो, नारियल को तोड़ने के लिए हो, हर स्टेज पे स्किल की ज़रूरत है। इसीलिए नारियल विकास बोर्ड में स्किल ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त वित्त का प्रायोजन किया है। जो कोकोनट प्लांटेशंस हैं इसके अंदर में 3 तरीके के हमने जॉब रोल्स लिए हैं, जैसे कि नीरा टेक्नीशियन, जो कि नीरा अमूल्य है चीज है जो जिससे कि मेडिसिनल वैल्यू है उसको हम टैप करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री, आज के दिन में कोकोनट प्लांटेशन के अंदर में काफ़ी शॉर्टेज हो गई लेबर की कि कैसे आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, कैसे उसकी डिजीज को देखेंगे, तो ये सारे के सारे हम एक फॉर फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री के अंदर में ट्रेनिंग में कैप्चर करते हैं। और इसके अलावा हम जो कोकोनट ग्रोवर है उसका भी अलग से ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आप देखेंगे सिर्फ कोकोनट प्लांटेशन के अंदर ही 3 ट्रेनिंग हो रही है। शिक्षण तो उपलब्ध है लेकिन अगर मांग के हिसाब से देखा जाए तो नारियल तोड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि नारियल तोड़ने के लिए बिना किसी सहारे या फिर ज्यादा से ज्यादा रस्सी का इस्तेमाल होता आ रहा है। इस पुराने तरीके से नारियल तोड़ना जोखिम वाला काम होता है और साथ ही ज्यादा नारियल भी नहीं तोड़े जा सकते। लेकिन अब आविष्कार हुआ है क्लैंप्स का। इस आधुनिक यंत्र की मदद से दिन में करीब 30 से 40 पेड़ों पर चढ़कर तकरीबन हर दिन 1500 रुपए तक की कमाई हो सकती है। क्लैंप्स के चलते ये काम काफी सुरक्षित बन गया है और इस तरीके में ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
तभी तो इस पेशे में अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अगर आप भी क्लैम्स का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं और इस कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आप नारियल विकास बोर्ड की किसी भी शाखा में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसी ही एक शाखा है महाराष्ट्र के पालघर में, जहां हजारों युवा इस आधुनिक कौशल को सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं एक रोचक मुकाबला, जहां क्लैम्स के सहारे नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कला को परखा जाएगा। इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे रश्मि, चंद्र प्रभा, जितेंद्र और प्रफुल्ल। देखते हैं कौन सबसे पहले नारियल तोड़कर इस टेबल पर रखता है। टास्क के लिए कमर तो इन्होंने कसी ली है, अब क्लैम को भी पेड़ से कस लीजिए। देखते हैं इस टास्क में कहीं लड़कियां लड़कों को पीछे ना छोड़ दें। चंद्र प्रभा ने सबसे पहले क्लैम को पेड़ से फिट करना शुरू कर दिया है। वहीं जितेंद्र, रश्मि और प्रफुल्ल ने भी अपने अपने क्लैम्प को पेड़ पे फिट करना शुरू कर दिया है। ये लीजिए, जितेंद्र ने पेड़ पर सबसे पहले चढ़ाई भी शुरू कर दी और उनके पीछे पीछे रश्मि और प्रफुल्ल भी चल पड़े हैं। ये क्या, चंद्र प्रभा तो अभी तक क्लैंप और पेड़ के बीच ही उलझी हुई है। चलिए कोई नहीं, क्लैंप को ठीक से फिट करना भी तो जरूरी है, वरना नारियल के पहले हम भी पेड़ से टपक सकते हैं जनाब। अरे चंद्र प्रभा जी, आप अभी भी लगी हुई हैं, ये टास्क क्लैंप फिट करने का नहीं है, नारियल तोड़ने का है, नारियल तोड़ने का। ये लो, यहाँ हम चंद्र प्रभा के स्ट्रगल को देखते रह गए और वहाँ जितेंद्र के हाथ लग गया हरा भरा मीठे मीठे पानी का नारियल। ये घुमाया जितेंद्र ने हाथ और ये टपका नारियल, टपाक सीधा जमीन पर। चंद्र प्रभा जी, हिम्मत मत हारिए, कोशिश करते रहिए, लेकिन समय पर भी ध्यान दीजिए, वक्त निकला जा रहा है। अरे ये मुलगी अपनी रश्मि किसी से कम नहीं है, नारियल तो तोड़ के ही लाएगी लगता है। ये लो, प्रफुल्ल ने भी टपका दिया अपना नारियल और चल पड़े नीचे। और अपनी रश्मि भी किसी से कम नहीं, ये लगा उनके हाथ नारियल और ये टपका दिया उन्होंने नीचे। कोई बात नहीं चंद्र प्रभा जी, कम से कम आपने कोशिश तो की। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सीखते रहिए और यकीन मानिए, एक दिन ये तालियां आपके लिए भी बजेंगी। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे आज के चीफ गेस्ट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के फार्म मैनेजर माननीय श्री कुमार वेल सर जी यहाँ पर उपस्थित है, और जो विजेता हो चुके हैं उनको किस बेसिस के ऊपर विजेता घोषित कर दिया गया है उनके बारे में हमारे उमेश्वरन जी बताएंगे। श्री जितेंद्र, आजा तू कर ले, आ कर ले तू आगाज। पुनर्पास, पुनर्पास। एक स्पेशल पुरस्कार देने चाहते हैं, इसी के अनुसार हम कुमारी रश्मि रमेश कुमार को हम बुलाना चाहते हैं। मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेके बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं लगता था कि मैं ऊपर चढ़ पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे से मैं चढ़ी। सब लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद उसका। हुनरबाज में हमारी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा हुनर के बारे में नई नई जानकारी देते रहें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रह जाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब हर महीने हम दिखाएंगे स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हर वो खबर जो आपकी सफलता में सहायक बन सकती है। देखिए NSDC स्किल समाचार। बाल अपराधियों और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही रोक देने वाले युवाओं के लिए दिल्ली पुलिस ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से एक कार्यक्रम की शुरुआत की और इसका नाम रखा युवा। इसके तहत 17 से 25 साल के बीच के ऐसे युवाओं को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की मदद से इनको नौकरी दिलाई जाएगी।
पहले चरण में 13 पुलिस स्टेशन्स के 2,269 युवाओं को चिन्हित किया गया है, जिनको 45 अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम उड़ान का दूसरा चरण अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। पहले चरण के 30 महीने में काफ़ी युवाओं को फ़ायदा मिला। इसमें से नौकरी पाने वाले करीब 8,000 से ज़्यादा युवा कश्मीर के थे। अब दूसरे चरण में नए कॉरपोरेट्स और नई कंपनियों को और भी ज़्यादा जोड़ा जाएगा और लक्ष्य यह है कि 2020 तक करीब 45,000 कश्मीरी युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होने वाले वर्ल्ड स्किल चैम्पियनशिप के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बार ये चैम्पियनशिप अबू धाबी में होने वाली है। हर 2 साल में ये प्रतियोगिता होती है और हर साल भारतीय प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार भी हमारे 28 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेने के लिए कमर कस चुके हैं। इस बार ये प्रतिभागी 26 कौशल क्षेत्रों में हिस्सा लेने वाले हैं। ये सारे प्रतिभागी 23 साल की उम्र से कम हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के जरिए इन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। इन्हें इस प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तैयार कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में इनके लिए एक 3 दिवसीय शिविर भी आयोजित किया गया, जहां बड़ी शख्सियतों ने इन्हें प्रोत्साहित किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 0880055555 पर या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत, कुशल भारत। Byrack, खोज नई, उम्मीद नई। कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी जो दुनिया भर में हर साल करीब 2 करोड़ लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती है। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। इलाज के दौरान 75-80% महिलाओं को मैस्टेक्टॉमी यानी ब्रेस्ट रिमूवल से गुजरना पड़ता है। ये एक काफी तनावपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया है। मैस्टेक्टॉमी के बाद महिलाओं को काफी शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। एक और हमारा बहुत अच्छा इनोवेशन है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ति। ये हमारा एक और स्टूडेंट इनोवेटर हैं जो बिग ग्रांटी थे और आज उन्होंने अपनी एंटरप्राइज बनाई है। इससे बहुत ज्यादा हमारी महिलाओं को फायदा है। इन पीड़ित महिलाओं को एक बेहतर जीवन देने के प्रयास में जुटे हैं कैंसर बायोकेमिस्ट डॉक्टर पवन मेहरोत्रा। मैं बहुत सर्जन्स, डॉक्टर्स और पीड़ितों से मिलता था। उनसे मिलकर मुझे पता चला कि एक ऐसी नीड है जिस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया। मैं इस समस्या को जब जाना, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और इसने मुझे एक अलग रूप से कैंसर पीड़ितों को मदद करने का मौका दिया। मैस्टेक्टॉमी से शरीर में एक रिक्त स्थान बन जाता है। इस समस्या का दुर्भाग्यपूर्ण भारत में कोई समाधान नहीं है। हमने इसमें पहल की है और एक पोस्ट मैस्टेक्टॉमी किट यानी कि सर्जरी के बाद उपयोग में आने वाली किट बनाई है। इस किट का नाम हमने पूर्ति रखा है। पूर्ति के माध्यम से हम स्तन कैंसर पीड़ित महिलाओं की शारीरिक और मानसिक पूर्ति करना चाहते हैं। भारत में पहली बार बनाई गई इस किट की खासियत यह है कि ये विदेशों में बने दूसरे किट्स के मुकाबले करीब 33% कम वजनदार है और 1/3 दाम में उपलब्ध है। इस पूर्ति किट में वो सब कुछ है जो एक पीड़ित को चाहिए, क्योंकि मैंने ये किट उन्हीं से समझ के बनाई है कि उनको क्या क्या कमी है। हमने इसमें उन औरतों का भी सहयोग लिया जो कि भारत से बाहर से लाई हुई सॉल्यूशन को यूज कर पा रही है। पिछले 7-8 महीने से ये मैं पूर्ति यूज कर रही हूँ और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, इजी टू कैरी है, उसका पूरा किट है तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं काफ़ी ट्रैवल भी करती हूँ इधर उधर और मटेरियल जो वो यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है
और उसको मेरे को उससे कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम या रैशेज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैस्टेक्टमी के बाद आपको अपने आप को देखने में अजीब सा लगता है, तो इसलिए ये इट गिव्स यू ए कंप्लीट फीलिंग कि आप नॉर्मल लग रहे हो, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये किट मार्केट में उपलब्ध होने वाली है ताकि ज्यादा से ज्यादा पीड़ित इसे अपना सकें। किट बनाने वाली इस सोशल एंटरप्राइज का नाम है आर्ना बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस किट को बनाने के सफर में डॉक्टर मेहरोत्रा को साथ मिला बायरैक का। मैं बहुत लकी था कि मैं बायरैक के प्रोग्राम BIG के लिए अप्लाई कर पाया। BIG ने बस मुझे पैसा ही नहीं और सब चीज़ें जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए दिलवाई। बहुत जल्द हम ये प्रोडक्ट हर अस्पताल में लाना चाहेंगे ताकि हर शहर हर गांव की पीड़ित हमारे पूर्ति किट का लाभ उठा सके। आप अपने या अपनों के लिए इस किट को अपना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आर्ना बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें 8105311590। हुनर की राह। नमस्ते जैन जी, मेरा नाम करण लड्डा है, मैं कोटा राजस्थान में रहता हूँ। मैंने 10वीं के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं जर्मनी की ड्यूअल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हूँ, और अगर मैं एलिजिबल हूँ तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। करण जी, ये बहुत खुशी की बात है कि आपने ऑलरेडी डिप्लोमा किया हुआ है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में, और आप जर्मन ड्यूअल सिस्टम की जो ट्रेनिंग होती है जर्मनी में वो इस तरह से होती है कि रफली क्लास 10वीं के बाद बच्चा जो है वो एक इंडस्ट्री में जाता है, और वहाँ पे रफली हफ्ते में 4 दिन जो है वो मेन या एलाइट शॉप फ्लोर पे वो ट्रेनिंग हासिल करता है, और 1 या 1.5 दिन हफ्ते में ट्रेनिंग होती है एक क्लासरूम सेशन में, और लगभग 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल जाता है। और ड्यूअल इसीलिए बोलते हैं इसको कि मेजर पार्ट जो है वो शॉप फ्लोर पे है और जो स्मॉलर पार्ट है वो क्लासरूम में होता है, इसलिए ये ड्यूअल सिस्टम कहलाता है। और ये पूरी दुनिया में खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक सबसे ही बेहतरीन ट्रेनिंग का तरीका है, तो आप इसका फ़ायदा इंडिया में भी उठा सकते हैं। हमारी जो एक अप्रेंटिसशिप स्कीम है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत जो एक अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जैसे आप लेना चाहें इसमें ऑटोमोबाइल में, तो आप टाटा मोटर्स या मारुति उद्योग या अशोक लेलैंड या महिंद्रा एंड महिंद्रा या हुंडई या टोयोटा, ऐसी किसी भी फैक्ट्री में आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप जो स्कीम है, ख़ासतौर से इसके रैशनलाइजेशन और रिफॉर्म्स के बाद में, ये ड्यूअल सिस्टम जो जर्मनी का है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सी अच्छी चीज़ें इसमें लागू करी गई हैं, और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। आज के हमारे विजेता को मिलता है JCKRC स्पा डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इंटरनेशनल ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स का एक खास गिफ्ट हैम्पर। मुबारक हो। अपने सुझाव देने के लिए हमें मैसेज करें 9757303030 पर। आप अपनी राय हमें फोन में रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप करें, या यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके लिंक भी भेज सकते हैं, या आप hunarbaz@gmail.com पर भी हमें ईमेल भेज सकते हैं। हुनरबाज से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट या ट्विटर हैंडल पर भी आप जा सकते हैं, या लॉग ऑन करें www.hunarbaz.com या www.hunarbaz.in पर। हुनर के महामुकाबले वर्ल्ड स्किल्स अबू धाबी में भाग ले रहे हैं हमारे देश के 28 युवा हुनरबाज। कैसी है इनकी जीत की तैयारी? पूरे देश की शुभकामनाओं के साथ इन्हें क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर द्वारा मिलेगा जीत का गुरु मंत्र। क्या है वो? चलो काम करें, जानने के लिए देखिए अगले हफ्ते हुनरबाज। नए युग को नया प्रणाम करें, चलो काम करें। हुनरबाज Season 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। तुम दा ना 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 दे रे ना, तुम दा ना 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 दे रे ना।